हैप्पी बर्थडे जाते हैं। थैंक यू। हां जी मम्मा। थैंक यू। हां जी। बहुत लविंग फैमिली है उसकी। मम्मा शायद अंशुमन आ गए। हैप्पी बर्थडे मैम, ये महेश्वरी जी की तरफ से। थैंक यू जी मां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मां, मुझे आपका भेजा हुआ ढेर सारा सामान मिला, केक, ग्लास, बुके, ये सब भेजने की क्या जरूरत थी मां? आप नहीं जानती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सारा सामान टाइम पे पहुंच गया। अच्छा जसमीत, ये बताओ मेरा भाई अभी तक पहुंचा या नहीं? अंशुमन वो तो अभी तक नहीं आए, पर शायद अभी आने ही वाले होंगे। बस तुम बच्चे मिलकर एंजॉय करो, हम कल सुबह तुमसे बात करेंगे। हाँ जी बड़ी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गाइस मुझे तो बहुत नींद आ रही है। एक काम करते ना भाई, हम पहले हमारा वाला केक काट लेते हैं, वैसे भी अंशु इसके लिए केक तो लाएगा ही। ओके। दीजिए मैं ले आती हूँ। मैं ले लूंगा खुद, आप क्यों तकलीफ करती हैं? इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। ओ, नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको कल सवेरे जल्दी उठना है, सारी तैयारियां भी करनी है, आप आराम कीजिए, मैं ले लूंगा खुद। याद ही था रंच पर। उससे फर्क भी क्या पड़ता है जसमीत, तुमने तो सेलिब्रेट कर भी लिया ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। फिर मुझे याद रहे ना रहे, मैं विश करूँ ना करूँ उससे। शुभन एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, और जिन्होंने मुझे विश करा तो वो उनसे भी प्रॉब्लम है। वो बेचारे इतनी देर तक जगे रहे, तुम्हारा इंतजार किया और एंड में ये कह के चले गए। हम दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बेचारे हैं जसमीत, और मैं क्या हूँ? जरा उस बारे में भी सोचो जसमीत, जब तक सोचोगी नहीं ना पता नहीं चलेगा। और हाँ, तुम्हें तो उस नमन के बारे में सोचने से वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंशुमन, तुम हर बात में नमन को बीच में क्यों ले आते हो? उसे बीच में मैं नहीं, तुम लाती हो। हमारे बीच में हमेशा तुम उसी की साइड लेती हो, उसके लिए मुझसे झगड़ा करती हो तुम। अगर सही बात को सही कहना गलत है अंशुमन महेश्वरी, आई एम वेरी सॉरी, ये गलत आदत मुझ में है। और मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, तुम्हें तो वो झूठ बहाना। और मैं तुम्हें जो बोलता हूँ वो तुम्हें सिर्फ कंप्लेन ही लगता है ना, क्योंकि तुम कंप्लेन करते हो अंशुमन। और वो नमन, वो क्या करता है ना, एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह हर बात पे क्रिप नहीं करता अंशुमन। ये नहीं कि बताओ नहीं कि बात क्या है और सारा दिन चिल्लाते रहो। तुम सारा दिन मुंह फुला के घूमते रहोगे घूमते रहोगे, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं। तो क्यों घूमती हो बताओ ना, आज दिल की बात जुबान पे आई गई ना जसमीत, यही ना कि वो नमन मुझसे ज्यादा अच्छा है। अंशुमन प्लीज, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हें संभाल संभाल के। अच्छा तुम तंग आ गई, तुम मुझसे पहले कह देती, मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए जब तुमने अपने फ्रेंड से मुझे फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि अपना फियांसे। ये सब क्या बोल रहा है अंशुमन? सही बोल रहा हूँ मैं, और मैं क्या, तुम खुद भी तो वही बोल रही हो, थक गई हो ना तुम? तो ठीक है, आज से
ये रिश्ता यहीं खत्म। और मैं अभी इसी वक्त मुंबई छोड़ के जा रहा हूं। ना कुछ ओ, अब ये क्या है? शिवरात्रि केस? अरे ये तो मेहमानों की लिस्ट है। नहीं नहीं, अब ये छोटी माँ ने ही रखी होंगी सबको फोन करने के बाद। हाँ हेलो। हेलो अक्षरा, मैं बोल रही हूँ पूनम काकी। राधे कृष्ण काकी। राधे कृष्णा बेटा, परसों भाभी माँ मिली थी मंदिर में, बता रही थी शिवरात्रि की पूजा है तुम्हारे यहाँ, पर कल रात तक तो कोई फोन ही नहीं आया, तो मैंने सोचा एक बार मैं ही पूछ लेती हूँ कि पूजा है भी या नहीं। हेलो जी। जी जी बिल्कुल हो रही है ना, वो एक्चुअली कल शाम से मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई, बस अभी थोड़ी देर में करने ही वाली थी। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा शायद कार्यक्रम बदल गया। चलो ठीक है, हम समय से पहुंच जाएंगे, और कुछ भी काम हो तो जरूर बताना। जी जी राधे कृष्ण, आइएगा जरूर। हे भगवान, इसका मतलब छोटी माँ ने किसी को फोन ही नहीं किया, और अब पता कैसे चलेगा। एक मिनट बहू रानी, आपको झुकना मना है ना? अरे ये कागज फिर से बाहर आ गया। कल शाम को ही मैंने ये लल्ला किताब में रखा था, ये लल्ला का ही है ना? कल शाम को कब, मतलब कितने बजे? हम सब कहाँ थे? मैं, छोटी माँ, भाभी माँ सब कहाँ थे? वो तो बाजार गई थी, आप अपने कमरे में ही थी शायद। क्या हुआ बहू? बेटा तू इतनी चिंता में क्यों है? भाभी माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो ये मेहमानों की लिस्ट छोटी माँ तक पहुंची नहीं। हे भगवान, मतलब किसी भी रिश्तेदार को फोन नहीं गया तो आप? हमें अभी के अभी सबको फोन करना होगा, सबको बुलाना होगा भाभी माँ। हे भगवान, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देवयानी से पूछा तूने? उन्हीं को फोन लगा रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है, उनके बाबूजी के यहाँ ज्यादा नेटवर्क नहीं होता ना। बाबूजी के यहाँ? हाँ भाभी माँ, वो दरअसल उनके बाबूजी का फोन आया था, उन्हें ना दवा बनाने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी, बोल रही थी कि भाभी माँ से पूछ के जाती हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं भाभी माँ को बता दूंगी। हाँ पर यहाँ इतना काम फैला पड़ा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पर भाभी माँ मेरी भी गलती है इसमें, मुझे सब कुछ चेक करना चाहिए था। मैंने सब कुछ सुन लिया है लेकिन अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। भाभी माँ, आप, मैं, बहू, हम सब मिलकर फोन करते हैं ना। बहू बेटा उलीज दो मुझे, आधे घंटे में सब हो जाएगा। ये यहाँ क्यों सो रही है? रात को रूम में नहीं आई? पता नहीं भाई। और वो एंग्री यंग मैन मिस्टर अंशुमन? जैज़ हेलो, उठ, मॉर्निंग हो गई। क्या हुआ जैज़, तेरी शक्ल में 13 क्यों बजे हुए? अंशु कहाँ है, रात को आया था कि नहीं? क्या हुआ जैज़, बोल ना। आई एम शॉक, फिर से अंशु ने कुछ कहा ना? यार हर बार इसको रुलाता रहता है, इट्स जस्ट नॉट डन मैन। अंशु जाज, अंशु का सारा सामान कहाँ गया? अंशुमन, मतलब अंशुमन सच में चला गया, लगा तो गुस्से में बोल रहा है, मतलब सब भूल जाएगा। जाज, संभाल खुद को, देख हम कुछ करते हैं।
अकेले रोना बंद कर प्लीज। अब तो कोई भी रहा नहीं, सभी लोगों को न्योते दे दिए। हाँ राजबन्ना, तेरी तो बहुत मदद हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हे भगवान, अगर छोटी माँ ने किसी को फोन नहीं किया है तो मतलब उनने तैयारी भी घर घर के लोगों के हिसाब से की होगी ना। हाँ, तभी कल उसके पास इतने पैसे बचे थे और मुझे लगा कि हे भगवान, एक के बाद एक गड़बड़ हो रही थी और हमें कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं सोचना। एक मिनट भाभी माँ, कुछ कुछ सोचते हैं। महाराज जी। हाँ बहू रानी। महाराज जी, साबुदाना कितना भिगोया है? अरे जितना हर बार भिगाते हैं। पूछो रही हो? नहीं, वो इस बार छोटी माँ सब देख रही है ना, तो मुझे लगा उनको अंदाजा नहीं है कि कितना भिगोना है। साबुदानों और खाने की तैयारी तो हम ही कर रहे हैं और जैसे हमेशा करते हैं। बाकी खीर और प्रसाद की नई दुल्हन कह रही है कि वो खुद ही बनाएंगे। तो फिर उसके मेवे सब बराबर है ना, कुछ कम तो नहीं पड़ेगा ना? वो तो भंडार घर में बहुत है बहू रानी, बाकी हमें देखने को समय ना मिला। कछु भी गिरजा सुधा, तुम मुझे सामान ले जो कल हम लाए गए। जी महाराज जी। रख दे। ये तो बहुत कम है, मेहमान बहुत ज्यादा है। गिरिजा, तूने देवयानी से कहा नहीं कि ये सामान कम है? मुझे भी लगा कि सामान कम है, फिर सोचा आप लोगों ने सोचकर ही किया होगा, मैं क्या बोलूं। अक्षरा, लिस्ट तो बनी हुई है ना, आप जल्दी से सामान मंगवा लीजिए। दादा, आज दुकानें बंद है, दोपहर के बाद ही खुलेंगी। अरे तो अब हम क्या करेंगे? बीमा, हमने तो सभी लोगों को न्योते भी दे दी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत सामान लाया क्या? नहीं, गलत तो नहीं लाई आप, पर बहुत कम लेकर आई। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सब लिस्ट के हिसाब से ही लाया, पाव पाव भर तो ज्यादा लाया अपने अंदाजे से। और फिर हम घर घर के ही तो लोग हैं। यही तो भूल हुई है देवयानी, हम सिर्फ घर घर के लोग नहीं है, बहुत मेहमान आने वाले हैं। बहू ने लिस्ट बनाई थी ना? लिस्ट? मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली। मुझे जो अक्षरा ने दो कागज दिए थे वो इसी डायरी में है बस। नहीं छोटी माँ, मैंने आपको तीन कागज दिए थे, उसमें से एक यहीं गिरा पड़ा मेरा, शायद गलती से गिर गया हो, इसीलिए सारी गड़बड़ हुई है। सब मेरी गलती है भाभी माँ, मुझे ही पूछ लेना चाहिए था। गलती तो मेरी है, मुझे ही पूछना चाहिए था। मेरे मन में एक दो बार आया भी था, लेकिन फिर लगा कि किसी और को बुलाना होता तो आप बता देते मुझे पहले। हे भगवान, कैसे होगा, दूध मावा सब कम है, बाकी बिना कैसे खीर बनेगी और कैसे प्रसाद बनेगा? इतने सालन से हम कर रहे हैं, कबू कछु गड़बड़ ना हुई, अब बिना दूध के कैसे खीर बना पाएंगे? अगली बार से तो हम खुद ही करेंगे, आपके भरोसे ना रखें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बहू, मेहमान तो आने को होंगे। कुछ करते हैं भाभी माँ, एक बात बताइए, आपके पास कुछ उपहार वगैरह है देने के लिए? हाँ हाँ, कुछ चांदी के सिक्के हैं मेरे पास और एक हाथ दूसरी चीज भी होगी, मैं देखती हूँ। चल मुन्ना, हम भोलाराम की दुकान पर देखते दूध मिलता है। हाँ आइए। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को दोष मत दीजिए। कैसे ठीक होगा अक्षरा, सारी दुकान बंद है, घर पे भी पूरा सामान नहीं है, अब कैसे होगा सब? लेकिन छोटी माँ, मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब तो हर साल हमारी राजकुमारी रंगोली बनाती है। मेरा अपने घर का हो जाएगा तो फिर मैं वो आगे घर भी बनाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर बनाना, बुआ ने तो पहले ही बना लिया होगा। ओहो, हम जल्दी नहीं जा सकते थे बुआ के घर? नहीं जा सकते बेटा, पहले हम अपने घर पर पूजा करेंगे ना, उसके बाद जाएंगे। जल्दी जल्दी करो। बहुत अच्छा लगता है अक्षरा के घर पूजा में जाना। त्योहार अवसर ही ऐसा होता है छोटी बहू, कि जब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल सके, साथ बैठ सके, खुश हो सके। याद है जब बच्चे छोटे थे तो दूर पार के रिश्तेदारों से भी मिलने की जिद किया करते थे। पर अब देखे ना माँ, कोई कहाँ तो कोई कहाँ, वहाँ अंशु मुंबई में अकेले। और काकी, अंशु अकेला कहाँ है, वहाँ जसमीत है ना उसके साथ। हाँ जानती हूँ,
पर फिर भी आज उसकी याद आ रही है और मुझे उसके हाथों के बनाए हुए चरणामृत की। हर साल वही बनाया करता था ना। पता नहीं उसे याद है भी कि नहीं आज शिवरात्रि है। आज वह सबके लिए मीठा हमारी तरफ से होना चाहिए। ये जसमीत के जन्मदिन की खुशी में ये बहुत ही अच्छा आइडिया दादी। मैं भी ना कुछ इंतजाम कर देती हूँ। अब प्रसाद कैसे बनेगा बहू रानी? ना दूध है ना मावा है, बस सूखे मेवा है। बात बन गई समझो महाराज जी। अब घर में आटा है? हाँ आटा होता है। तो हम अब सूखी पंजीरी बना लेते हैं, वही ठीक रहेगा। अरे वही जो एकादशी का प्रसाद भी होता है। पर हमारे यहाँ तो बुना बनती ना। हाँ महाराज जी, पर मैंने किसी के यहाँ खाई थी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। या तो हम सूजी का शीरा या फिर सूखे आटे की पंजीरी बना लेते हैं। देखिए ना ही उसमें मावा पड़ेगा और ना ही दूध पड़ेगा, सिर्फ चीनी और मेवे बारीक बारीक काट के डाल देंगे, देखिएगा क्या गजब बनेगा। तो इसका मतलब अब दूध नहीं चाहिए? पर चाय के लिए तो चाहिए। हाँ और अभिषेक के लिए भी तो चाहिए। दूध के बिना अभिषेक कैसे होगा राजबन्ना? राधे कृष्ण, भूमि का फोन था, कह रहा था कि दफ्तर से सीधा अक्षरा के घर पहुंच जाए। जी वर्षा, बेटा कौन सी मिठाई मंगवाई है? मंगवा रही हूँ माँ, मैं सोच रही थी अंशु से पूछ लेती हूँ कि जसमीत की कौन सी फेवरेट मिठाई है, तो फिर वही मंगवा लूंगी। लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। शायद कॉलेज में होगा, पता नहीं आज वहाँ छुट्टी है कि नहीं। मम्मा मम्मा चाचू आ रहे हैं। देखिए किस तरह पागल बना रही है हम सबको। सच्ची पापा, वहाँ आप खुद ही देख लो। अरे अंशु, चाचू! अंशु ऐसे अचानक से, तू ठीक तो है ना? बस 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 बेटा, कैसा है तू? हमारी याद भी आती है या नहीं? बहुत आती है बड़ी माँ। हमें भी तेरी बहुत याद आती है बेटा। तू ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल। क्या बात है अंशु, इन दिनों तेरी पढ़ाई नहीं चल रही? हाँ अंशु, ऐसे अचानक से कैसे? तुम्हारा तो मिर्च सेमेस्टर है ना? जी वो कॉलेज में कुछ दिनों का ब्रेक था और महाशिवरात्रि भी है, सबकी याद भी आ रही थी, तो आ गया आप सबसे मिलने। चाचू आप जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो, हमें बुआ के घर जाना है। ये गिर जाना, रंग सही लाई है चूड़ियों का पर साइज गलत ले आई है। नहीं चढ़ रही है, नैतिक रहनी दीजिए, मैं ऐसे ही नीचे चल जाऊंगी, बहुत काम है, मेहमान आती हूँ। एक मिनट, सही है। हाँ ठीक है, बताइए दूसरा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि काम की कोई मनाही नहीं, लेकिन टेंशन लेने की मनाही, और वो भी सख्त पर। चिंता करने से कभी कोई काम बना है अक्षर नहीं ना, तो आप भी शांत हो जाइए और जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, डुबू को भेज देती हूँ, उसे रेडी करवा दीजिए। हाँ लेकिन वो है कहाँ? नीचे खेल रहा होगा कहीं पर। मैं भेज देती हूँ उसे, आप उसका हाथ में धुलवा दीजिए और उसे रेडी कर दीजिए। हाँ। ये भगवान मैं तो भूल ही गई, यश भी यही है, उसे भी रेडी करना होगा अकेले। आप दोनों को कैसे रेडी करेंगे? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे तो नीचे। अक्षरा सॉरी, हेलो बॉयज, क्या कर रहे हो आप लोग? घर में पूजा है और आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हो। चलो हरी अब आ जाओ। क्या करा पापा, हम रेडी हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं करा देता हूँ ना, असिस्टेंट हूँ आप लोगों का। नहीं चाहिए, हम रेडी हो जाएंगे, प्लीज पापा अब जाओ ना। यस मामा जी प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। ओके ओके। यस अब तुम्हारे सरप्राइज का मजा आएगा। यस कोई सुन लिया तो? हाँ बहू, कितनी बार कहा तुझसे आराम से चला कर,
रीमा आपने तो डरा ही दिया था मुझे, मुझे लगा पता नहीं कौन सी गलती हो गई मुझसे। दूसरी कोई भी गलती चल जाएगी लेकिन ये नहीं। हाँ अब वो दोनों हीरो खुद ही तैयार होना चाहते हैं, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा कोई और काम है तो बता दीजिए, मैं वो कर देता हूँ। नहीं नहीं अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है नैतिक। अच्छा तो एक बार दूध के लिए फिर से कोशिश कर लूँ, हो सकता है कहीं मिल जाए। नहीं देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो बाबूजी के यहाँ से तो मिल्क पाउडर मिल ही जाएगा। मुझे पता है हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाभी माँ, दूध की जरूरत तो दूध से ही पूरी होगी ना। बिल्कुल सही कहा अक्षरा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।